रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने यूपी में दो प्रत्याशी उतारे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने हिंदी खबर से खास बातचीत में कहा कि 2019 चुनावों में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। हमारे साथ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हैं, जिन्होंने यूपी में दो प्रत्याशियों को उतारने की बात कही है। चलिए इस बारे में और भी ज्यादा बात करते हैं। सर ये बताइए, आपने यूपी में दो प्रत्याशियों को उतारने की बात कही है, आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ? नहीं, रिपब्लिकन पार्टी ने खाली दो ही जगह पर अपने प्रत्याशी उतारे है, उसमें गाजियाबाद में एक हमारे एक कैंडिडेट है और उसके बाद मुसरी जशहर में एक कैंडिडेट है। बाकी के 78 जगह पर हम बीजेपी और अपना दल का समर्थन कर रहे हैं। एक तो रिपब्लिकन पार्टी रजिस्टर पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी बंसल जी के साथ बातचीत की थी और मोहनलाल जी से बात की थी और रिपब्लिकन पार्टी को एक या दो सीट अगर मिलती है तो आरपीआई पूरे स्टेट भर में बीजेपी के साथ रहेगी, ये उनको हमने बताया था, लेकिन ऐसा कोई तालमेल हुआ नहीं। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी एनडीए के साथ है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं देश भर घूम रहा हूँ और इसीलिए मतलब हमारी पार्टी रजिस्टर पार्टी है, इसीलिए रिकॉर्ड में दिखाने के लिए हमको कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने की आवश्यकता थी, इसलिए दो सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी के जगह पर बीजेपी का हम समर्थन कर रहे हैं और बीजेपी अगर यहाँ मतलब कांग्रेस और सपा बसपा अलग लड़ने से यहाँ बीजेपी का और भी ज्यादा फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए यहाँ कम से कम 73 से ज्यादा सीटें दे सकती है, ऐसा भी हमें पूरा विश्वास है। वहीं उदित राज जी जिनका टिकट कटा है, उन्होंने बोला है कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी पार्टी है, आप भी दलित के बहुत बड़े नेता हैं, आपको क्या लगता है? मतलब मुझे लगता है कि भाई वहाँ उदित राज जी का टिकट कटा है और इसीलिए उदित राज जी अभी बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं, कांग्रेस का सहारा लेकर वो बीजेपी को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह हमारे रामनाथ कोविंद जी उत्तर प्रदेश से आते हैं और इतना बड़ा पद उनको मिला है तो उनके बारे में मतलब उनको आनंद होना चाहिए, लेकिन घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।